कहां गया कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान का एरियर? आखिर डीए पर क्यों नहीं हुई कोई घोषणा? कर्मचारियों को अभी करना होगा इंतजार या सरकार का बदल गया है विचार? खुद मुख्यमंत्री ने बजट के बाद किया खुलासा। शुक्रवार 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल का बजट पेश किया गया। ये बजट खास था क्योंकि ये सीएम सुक्खू का पहला बजट था। युवाओं, महिलाओं, आम जनता के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को भी इस बजट से काफी आस थी। 7% डीए और संशोधित वेतनमान के एरियर को लेकर कर्मचारी कयास लगा रहे थे कि बजट में जरूर कोई ना कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस के रूप में एक बड़ी सौगात दे चुके हैं और ऐसे कर चले दबे प्रदेश को उबारने के लिए नए नए निर्णय ले रहे हैं, इस दृष्टि से बजट में अन्य सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, लेकिन कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। कर्मचारियों व पेंशनरों को ओपीएस के बाद अब 7% बकाया डीए व संशोधित वेतनमान के एरियर का इंतजार था, लेकिन इस बजट में जहां अस्थाई कर्मचारियों के लिए मानदेय में 500 रुपए से लेकर 2000 तक की बढ़ोतरी की गई, वहीं स्थाई कर्मचारियों के लिए केवल यही कहा गया कि सरकार ने पहले कैबिनेट में ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है और इसके लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के डीए व नए वेतनमान के एरियर पर बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। अब ऐसी स्थिति में कर्मचारियों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों का बकाया डीए व एरियर का भुगतान होगा या नहीं होगा। इस पर बजट के बाद मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले से कहते हुए आए हैं कि प्रदेश करोड़ों के कर्ज तले दबा है और ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का भी लगभग 10 से 11 हजार करोड़ रुपए बकाया डीए व एरियर शेष है और आने वाले निकट भविष्य में जब संसाधन जुटेंगे तो इसे दिया जाएगा। इस पर अब बजट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। आप भी देखिए डीए व एरियर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आखिर क्या कहा है। हमारे पर कर्मचारियों की देनदारी है, वो देनी है। मैं व्यवस्था परिवर्तन इसीलिए कर रहा हूँ, रुकिए अभी हमें अपने आय के स्रोत भी बढ़ाने हैं, हमें उस दृष्टि से और काम करेंगे। करुणामूलक को हमने बजट में कहा है कि उनके लिए नीति लाएंगे, आउटसोर्स को हमने कहा है कि उनके लिए हम नीति लाएंगे, सब दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं, पर थोड़ा समय लगता है। ये अभी हमें 3 बने हुए तो 3 महीने हुए, 3 महीने में हम जो कर सकते थे हमने किया है। अब हमें तो कर नहीं सकते कि ये कर दो, मैं किसी को अपने मेरे पास जो साधन होंगे ना उसी से करूंगा और इसमें आगे बढ़ रहे हैं।